हेलो एवरीवन, आज हम चॉप स्टिच और डबल क्रॉस स्टिच सीखेंगे। अब इसकी हम आउटलाइन करेंगे ब्लैक थ्रेड से। इसकी आउटलाइन आप किसी भी कलर से कर सकते हैं, जैसे डार्क मैरून हो जाए, डार्क कलर से होती है, डार्क ग्रीन और ब्लैक, ऐसे किसी भी कलर से कर सकते हैं। मैं इसकी आउटलाइन, जिसको चॉप करना भी कहते हैं, ब्लैक कलर से कर रही हूँ। इसमें ये होता है, जो डिज़ाइन बना हुआ है उसके ऐसे करके एक जो स्क्वायर है उसमें से निकालेंगे, फिर एक को दबा के डिज़ाइन जो बना हुआ है उसकी बिल्कुल आउटर लाइन जो है उसको हमने कवर करना है। एक छोड़ा, फिर एक दबा देंगे, एक को उठाएंगे, फिर एक दबा के एक उठाएंगे। ये हमारी एक जो लाइन है चॉप की, वो कंप्लीट हो गई। अब इसमें इसको उल्टी तरफ से, जहाँ से हम आए हैं वहीं से, जहाँ से काला धागा आया उसको ऊपर की तरफ उठा लेंगे, और जहाँ पे लाइन नहीं है उसको नीचे से।
तरह से करते हुए हमारा ये जॉब का स्टिच कंप्लीट हो गया। इसको जॉब से करने से ये डिज़ाइन जो खिला खिला सा दिखाई देता, इसी तरह से हम ये दूसरे वाले में चॉप करेंगे। एक को दबाएंगे और दूसरा इसे ऊपर उठा लेंगे, इसे दबा के उठा लेंगे। ये वाला फ्लावर थोड़ा अलग सा रहेगा, इसलिए इसको अलग से चॉप करेंगे। ये वाला पैटर्न पूरा साथ में इसी तरह से जिस तरफ से हम आए हैं उसी तरफ से फिर जा सकते हैं। तो जैसे आपको इजी लगे हाथ का चलना, इस तरफ की तरफ सीधी तरफ से भी जा सकते हैं।
ये हमारा क्रॉस स्टिच का पैटर्न रेडी हो गया है। इसकी साइड पे हमने आउटलाइन जो करी है उसको चॉप करना चाहते हैं। इससे करने से इसकी डेकोरेशन जैसे सुंदरता और बढ़ जाती है। हम डबल क्रॉस सीखेंगे। इसमें हम नोट की जगह धागे को दो लाइन में घुमा देंगे। डबल क्रॉस हम इस तरह से बनाएंगे। इस वाले होल से नीचे वाले होल को होल में सुई डाल के ऊपर वाले होल में निकालेंगे, फिर इसको नीचे धागे को कसेंगे नहीं ज़्यादा, फिर ये दोनों के बीच में ये वाले of the cross, then ऊपर से सेंटर में लेके नीचे सेंटर में जहाँ पहले धागा निकाला उसी में से निकालेंगे। ये हमारा डबल क्रॉस बन जाएगा।
इस तरह से हमारा डबल क्रॉस स्टिच कंप्लीट हो जाता है। Thanks for watching my videos. Please subscribe my channel and share it with your friends. Thank you.